हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल हॉटस्पॉट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके आधार कार्ड के साथ में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है, ये आप कैसे चेक कर सकते हो। ठीक है, तो चेक करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है। यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर पे आने के बाद आप लोगों को यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे सर्च के आइकन पे क्लिक करना है। देन आप लोगों को यहाँ पे सर्च करना होगा एम आधार। ठीक है, मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पे हम सर्च करेंगे एम। इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एम आधार का ऑप्शन आ चुका है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। देन यहाँ पे हम ये जो सर्च का आइकन है इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे जो है एम आधार का जो एप्लीकेशन है ये आ चुका है। ठीक है, एम आधार ये एप्लीकेशन आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है गूगल प्ले स्टोर से। ये इंस्टॉल हो जाने के बाद आप लोगों को सिंपली इसे ओपन करना है। इसे डाउनलोड करने का लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो यहाँ पे हम सिंपली इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद दोस्तों इंटरफेस आप लोगों को कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप लोगों को बस इसे स्लाइड कर देना है इस प्रकार से। ठीक है, ड्रैग कर देना है। इसके बाद नीचे आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा गेट स्टार्टेड का ऑप्शन, इस पर आप क्लिक कर देंगे। देन यहाँ पे आप लोगों को कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप लोगों को एक कॉन्सेंट देना होगा, तो यहाँ पे आई कॉन्सेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। इसके बाद आप लोगों को इंटरफेस कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा इस एप्लीकेशन का। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे लैंग्वेज चूज करने का ऑप्शन मिल रहा है, तो यहाँ पे हम बाई डिफॉल्ट जो लैंग्वेज है इंग्लिश का, इसी पर हम कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे हम कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे सिंपली। तो यहाँ पे हम सिंपली अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे पुट करेंगे। देखिए, यहाँ पे जो मोबाइल नंबर इंटर करने का जो ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे हम केवल अपना मोबाइल नंबर इंटर करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, हमने मोबाइल नंबर इंटर कर दिया है। अब हम सिंपली इस नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो एक OTP मांगा जा रहा है, जो OTP आप लोगों के इसी मोबाइल नंबर पर आएगा। इसे आप लोगों को यहाँ पे डाल देना है, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके बाद आप लोगों को ये जो सबमिट का बटन देखने को मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, हमने यहाँ पे OTP भी इंटर कर दिया है। अब हम यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन प्रोसेस कंप्लीट होते ही दोस्तों आप लोगों को इंटरफेस इस एप्लीकेशन का कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। आप लोग यहां पे देख सकते हो, ठीक है, इसी प्रकार से देखने को मिलेगा। यहां पे आप आएंगे ऑल सर्विसेज में, तो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहां पे आप देखेंगे कि एक ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा आधार सर्विसेज में। यहां पे आप देखेंगे चेक आधार वैलिडिटी, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने इंटरफेस कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। यहाँ पे सबसे पहले ये जो ऊपर में आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे अपना आधार नंबर आप लोगों को डाल देना है। यहाँ पे ये जो कैप्चा देखने को मिल रहा है जिसमें 8034 लिखा हुआ है, इसे आप लोगों को यहाँ पे इंटर करना है। इसके बाद इस सबमिट के बटन पे आपको सिंपली क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, हमने अपना आधार नंबर भी इंटर कर दिया है, हमने यहाँ पे कैप्चा भी इंटर कर दिया है। यहाँ पे ये जो सबमिट बटन है ग्रीन भी हो चुका है। अब हम सिंपली इसे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही दोस्तों आप लोग यहां पे देख सकते हो, यहां पे आ चुका है डियर रेसिडेंट दिस आधार नंबर इज एक्टिव। ठीक है, यहां पे ये एक्टिव है या नहीं है यहां पे बता दिया गया। सबसे पहले यहां पे आप देख सकते हो आधार नंबर आप लोग यहां पे देख सकते हो। यहां पे एज बैंड आपको देखने को मिल जाएगा, 20 से 30 के उम्र का ये व्यक्ति है। ठीक है, इसके अलावा जेंडर आप लोगों को यहां पे मेल देखने को मिल रहा है। स्टेट आप लोगों को यहां पे देखने को मिल रहा है मध्य प्रदेश। इसके नीचे जस्ट आप लोगों को सबसे नीचे में देखने को मिलेगा, यहां पे आप देख सकते हो मोबाइल नंबर, सबसे पहला जो 7 डिजिट होता है वो यहाँ पे XX कर दिया गया है, और पीछे का जो 3 अंक होता है मोबाइल नंबर का वो यहाँ पे शो किया गया है। तो इससे आप पता लगा सकते हो कि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है या फिर कौन सा नंबर लिंक है, ये आप लोग यहां से पता कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।